हमने पढ़ा था ना वर्तमान काल का, ठीक है। तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें हमको क्या हो ये न क्लियर हो कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें संदेह हो। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह पाया जाए उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो संदिग्ध वर्तमान काल है उसमें क्या हुआ है कि जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, यानी कार्य के पूरा हो मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें हमें क्या है, डाउट है, संदेह है। जैसे मैं अब पढ़ने जाऊंगा, मैं अब पढ़ने जाऊंगा, अब मैं अब पढ़ने जाऊंगा का क्या मतलब, अभी तक नहीं गया हूँ तो कोई भरोसा आगे जाऊंगा या पढ़ने जाएगा वो कंफर्म है, नहीं है ना, संदेह पूर्ण है। क्या है, मैं अब पढ़ने जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही राहुल अभी आता होगा, राहुल अभी आता होगा मतलब उसे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर जो ये कहता राहुल आ रहा है, राहुल आ रहा है, यानी वो क्या हो जाता, कंफर्म हो जाता कि आ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, राहुल अभी आता होगा, मतलब उसको कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच रास्ते में है कि अभी चला है, उसको कुछ नहीं पता है। ऐसे ही माँ खाना बना रही होगी, भाई जिस जगह तुम नहीं हो उसके बारे में कैसे जान सकते हो। तो माँ खाना बना रही, मान लो तुम रुधौली में खड़े हो, रुधौली में अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, अब भूख लगी है तो मन में क्या आएगा, अब तो माँ खाना बना चुकी होगी या माँ खाना बना रही होगी, लेकिन हमको कन्फर्म थोड़ी ना है कि माँ ने खाना बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हारा संदेह पूर्ण है, माँ खाना बना रही होगी, ठीक है। ऐसे राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, ठीक है। तो राम पढ़ता होगा मतलब हम राम को देखने नहीं गए, राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है, राम पढ़ता होगा मतलब उसको अभी कंफर्म नहीं है, कार्य चल रहा है लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंफर्म है इतना संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं भूतकाल, यानी पास्ट टेंस, हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म, वर्तमान काल खत्म, अब भूतकाल पे आ जाते हैं। तो भूतकाल क्या होता है, जिसके क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अतीत में कार्य होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। मतलब जिस क्रिया में बीते हुए समय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। मतलब क्रिया बीते हुए समय में हुई है, अभी नहीं हो रही है ना, आने वाली है, कब हो रही है, बीते हुए समय में, जो हमारा बीत चुका है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, भूतकाल। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, गरिमा विद्यालय गई, गरिमा विद्यालय गई, कब गई, अभी वो जा रही है। अगर जो मैं कहता गरिमा विद्यालय जा रही है तो क्या होता, प्रेजेंट, ठीक है, यानी वर्तमान काल, लेकिन गरिमा विद्यालय गई, गई मतलब चली गई, पहुंच गई होगी, ठीक है। तो दूसरा है तमन्ना ने कहानी पढ़ी, मतलब वो पढ़ चुकी है, ऐसा नहीं कि पढ़ रही है, तो किसमें आ गया, बीते हुए समय, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो आज मारा है क्या, कब मारा है, बहुत
बहुत पहले मारा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम ने रावण को कब मारा था, बहुत पहले मारा था, यानी किसमें किया उसने, बीते हुए समय में हुआ है ये काम। सीता ने खाना बना लिया, खाना बना लिया, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा तुम्हारा, किसमें आएगा, क्या पढ़ रहे हो भाई, हाँ भूतकाल में आएगा। अब देखो यहाँ बोला था गरिमा विद्यालय गई, ये भी भूतकाल में, तमन्ना ने कहानी पढ़ी ये भी भूतकाल में है, राम ने रावण को मारा ये भी बहुत पहले मारा है यानी ये भी भूतकाल में, सीता ने खाना बना लिया ये भी किसमें है, भूतकाल में, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे तुम्हारे, भूतकाल में। अब भूतकाल के क्या होते हैं, ये देखो पहचान भी देख लो क्या होता है भूतकाल में, ये समझ लो, अगर जो समय समय में ये ज्ञान हो रहा है, जो क्रिया है हमारी, क्रिया को देखकर ये ज्ञान हो रहा है कि ये क्रिया जो है पिछले समय में हो चुकी है, तो क्या कहलाएगा वो, भूतकाल, ठीक है। आप देखो भूतकाल के छह भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, संदिग्ध भूतकाल, पास्ट डाउटफुल टेंस, हेतु हेतु मद भूतकाल, इसका मतलब होता है पास्ट कंडीशनल टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, भूतकाल के छह भाग होते हैं, छह प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्य रूप से हुआ है उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्लॉज होता है, क्या होता है, इसमें यह नहीं जाना जा सकता कि कार्य समाप्त हुए थोड़ी देर हुआ है कि ज्यादा देर हुआ है, ठीक है। मतलब अभी तुरंत हुआ है कि एक घंटा पहले का, एक दिन पहले का हुआ है, ये नहीं बता सकते कंफर्म, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, सामान्य भूतकाल, जिसमें क्या हो, समय का ये ना पता चले कि अभी हुआ है कि दो दिन पहले कि एक दिन पहले, उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। जैसे लता ने पाठ पढ़ा, पढ़ तो लिया है सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि अभी एक घंटा पहले पढ़ा है कि दो दिन पहले पढ़ा है, ये क्लियर है। अब वैभव कीर्ति स्कूल गए, भाई सबके स्कूल का टाइम तो होता है, लेकिन कब गए ये नहीं पता है, जा चुके हैं, चले गए हैं, काम हो चुका, क्रिया हो गई, स्कूल गए, लेकिन ये नहीं पता है कितने बजे गए, या थोड़ी देर पहले गए, या अभी तुरंत गए, नहीं पता है। गाड़ी आई पानी बरसा, गाड़ी आई पानी बरसा, अब कैसे बता सकते हो कब गाड़ी आई कब पानी बरसा, बता सकते हो, इसमें कहीं लिखा हुआ समय का कुछ, बस इतना लिखा है बरसा मतलब ये समय भूतकाल में हो चुका है, ठीक है। अगर जो यहाँ लिखा होता बरस रहा है, ठीक है, यानी बरस रहा है तो किसमें आ जाता, वर्तमान काल में, ठीक है। अगर जो ये लिखा होता पानी बरसेगा तो किसमें आ जाता, भविष्य काल में, लेकिन ये क्या है, पानी बरसा, गाड़ी आई पानी बरसा, ये किसमें है, भूतकाल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ समय का कहीं निर्धारण हो रहा है कि अभी बरसा है, यहाँ लिखा होता गाड़ी आई अभी पानी बरसा, या अभी गाड़ी आई पानी बरसा लिखा होता तो भी ये होता कि अभी तुरंत आई गाड़ी और बरसने लगा, या यहाँ लिखा होता कल गाड़ी आई पानी बरसा, तो मतलब कल गाड़ी आई जैसे वैसे पानी, लेकिन यहाँ कहीं समय का अनुभूति नहीं लिखा हुआ है, यानी सामान्य वर्तमान भूतकाल हम उसे कहेंगे जिसमें समय का हमें ज्ञान ना हो कि कार्य कब समाप्त हो रहा है, अभी हो रहा है कि दो दिन पहले समाप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे दूसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा आसन्न भूतकाल,
आसन भूतकाल यानी रिसेंट पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए। समय क्या समझा जाए? निकट। अभी सामान्य काल में मैंने क्या बताया कि समय का हमें पता नहीं होता है कि अभी हो रहा है कि दो दिन पहले हुआ है, लेकिन जो तुम्हारा आसन्न भूतकाल है इसमें पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जा रहा है, यानी निकट मतलब अभी थोड़ी देर पहले ऐसे, ठीक है। आसन्न भूतकाल कहलाता है। इसका क्लॉज क्या है? अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है, ठीक है, दो दिन पहले नहीं, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हुआ है। जैसे कविता ने पाठ पढ़ लिया है, पढ़ा है और पढ़ लिया है में बहुत अंतर है। जैसे लता ने पाठ पढ़ा और कविता ने पाठ पढ़ लिया है। पढ़ लिया है मतलब अभी तुरंत पढ़ के वो उठी रही है, पढ़ा और बुक उसने तुरंत बंद किया है। क्या किया है? पढ़कर तुरंत बुक बंद किया है और उठ के अब वो जा रही है। उसको क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं, यानी रिसेंट पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहोगे थोड़ी देर बाद। अभी जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखना बंद करूंगा तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो, तुम बाहर निकल गए, तो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल यानी रिसेंट पास्ट टेंस। मतलब दो दिन पहले जो पढ़ाया था उसकी बात नहीं पूछ रहा हूं, अभी का पूछ रहा हूं। तो माता जी ने खाना बना लिया है, ठीक है। माता जी ने क्या किया है? खाना बना लिया है। मतलब ये है कि उन्होंने 10 दिन पहले, 2 दिन पहले का नहीं पूछ रहा, अभी का पूछ रहा है। तुरंत बना के मतलब आग वाग जलाई थी, अपना चावल दाल बना ली, और चावल दाल बनाने के बाद सब्जी छौंक ली, सब्जी छौंकने के बाद कढ़ाई वढ़ाई नीचे रख के और चूल्हा बुता रही है, बस वही काम हो रहा, तुरंत ही अभी बना के उठी है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। मैंने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है का मतलब क्या हुआ? अभी जस्ट जो है पढ़ के निकले हैं। राकेश ने पुस्तक पढ़ ली है, इसका भी मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कि पुस्तक पढ़ रहे थे भैया, पढ़ रहे थे पुस्तक, और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, अचानक से मेरे मन में आया कि बंद कर, ठीक है, और तुरंत पुस्तक रखा चल दिया, उसको क्या कहते हैं? पढ़ ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या इंडिकेट कराती हैं? चाहे वो तुम्हारा संदिग्ध वर्तमान काल से शुरू करता हूं, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जिस कार्य में संदेह पाया जाए उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें ये ना क्लियर हो कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, वो संदेह होता है, ठीक है। मैं पढ़ने जाऊंगा कंफर्म नहीं है, राहुल अभी आता होगा इसमें भी कंफर्म नहीं है, माँ खाना बना रही होगी इसमें भी कंफर्म नहीं है, राम पढ़ता रहा होगा, ये हम संदिग्ध वाले में क्या करते हैं? कुछ तो हम तुक्का मारते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन मतलब क्या हो गया? कल्पना करना। हम कल्पना करते हैं कैसे? जैसे मैं अब पढ़ने जाऊंगा, ठीक है, कुछ कोचिंग के बच्चे पढ़ते रहते हैं, कहते क्या है कि सर कल पढ़ने आऊंगा, सर अब मैं पढ़ने जाऊंगा, सर मैं अब बदमाशी नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन अगले दिन फिर वही काम करना चालू कर देते हैं। तो वो क्या होगा? एक तरीके का थोड़ा सा इमेजिनेशन मान सकते हो, कल्पना मान सकते हो। अब भूतकाल का की बात करें तो भूतकाल मतलब ये होता है कि कार्य जो है अतीत में हुआ है, यानी जो बीता हुआ है उसमें हो चुका है, समय में, बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे, ठीक है। जैसे गरिमा विद्यालय गई, तमन्ना ने कहानी पढ़ी, राम ने रावण को मारा, सीता ने खाना बना लिया। अब भूतकाल के मैंने 6 भेद बताए थे, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ठीक है, इतने सारे बताए थे, जिसमें मैंने सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल में मैंने अंतर बता दिया। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जिसमें हमारे कार्य के होने यानी बीते हुए समय में जो कार्य हो रहा है उसका समय निश्चित ना हो,
कि थोड़ी देर पहले हुआ है कि ज्यादा देर पहले, ठीक है। लेकिन आसन्न भूतकाल में क्या होता है, समय निश्चित होता है, कब कि कब होता है वो, अभी अभी हुआ हो या निकट हुआ हो, समय के निकट हुआ हो या अभी अभी हुआ हो, ठीक है। अगर जो अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है तो तुम्हारा क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। और अगर जो अभी अभी नहीं हुआ है या पहले भी नहीं हुआ, कुछ कन्फर्म है नहीं हमको, तो वो कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल होगा। समझ गए।